दिस इज 92.7 बिग एफएम प्रस्तुत है आपका चहेता कार्यक्रम सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। पहली कहानी एक पिता की। पिता परेशान थे कि बेटा स्कूल से हमेशा घर देर से लौटता है। क्यों? कौन था वो बेटा और क्यों देर से आता था? दूसरी कहानी, क्यों इला अरुण डर गई थी एक गीत को पिक्चराइज करने से। हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा हम चले आए, फिर तेरी कहानी याद आई, रिपीट वैल्यू, और अंत में हमारी श्रोता मुंबई की संगीता मिश्रा के सवाल का जवाब। कहानी धारवाड़ जिले के रौनकी है, कर्नाटक में एक छोटी सी जगह। वहां रहते थे गुरुराज, गुरुराज जिन्होंने कन्नड़ा इंग्लिश डिक्शनरी लिखी। उनका एक बेटा था। एक दिन गुरुराज ने गौर किया कि उनका बेटा कई महीनों से रोजाना स्कूल से आने में देरी कर देता है। पिता को फिक्र होती थी, कई बार बच्चे से पूछा, बच्चे ने टालम टोल करके जवाब दे दिए। पिता चिंतित थे कि कहीं बेटा गलत संगत पे तो नहीं पड़ गया। एक दिन पिता बाजार गए सामान खरीदने। बाजार में एक दुकान थी ग्रामोफोन की। गुरुराज जब उस दुकान के सामने से निकले तो दुकानदार ने उन्हें बुलाया और कहा कि मास्टर जी एक बात कहूं, आपका बेटा बहुत अच्छा गाता है, खूब नाम कमाएगा एक दिन। गुरुराज चौंक पड़े, बेटा? मेरा बेटा? मेरा बेटा गाता है? दुकानदार भी हैरान कि कमाल है कि गुरुराज जी का बेटा इतना अच्छा गाता है और बाप को ही पता नहीं। इधर बाप गुरुराज को समझ नहीं आ रहा था कि दुकानदार उनके बेटे की बात कर रहा है या गलतफहमी में किसी और के बेटे को गुरुराज का बेटा समझ रहा है। तो तस्दीक करने के लिए दुकानदार से पूछा, भाई तुम किसके बेटे की बात कर रहे हो? तुमने क्या मेरे बेटे को गाते हुए सुना और कब सुना है? तो दुकानदार ने बताया कि स्कूल बंद होते ही गुरुराज जी आपका बेटा चला आता है मेरी दुकान पर, बैठ जाता है, मैं उसके लिए एक रिकॉर्ड बजा देता हूं। उस रिकॉर्ड के सारे गाने उसने याद कर लिए हैं और रोज मुझे वही गाने सुनाता है वो। मास्टर का बेटा गवैया बन गया। गुरुराज घर आए, पूछा बेटे से, बताओ? तो बेटे ने सच बता दिया, लेकिन फिर भी गुरुराज को बेटे पर विश्वास नहीं हुआ। नाना तू कैसे गाएगा, हमारे तो परिवार में कोई गाता ही नहीं है, तू सच बोल रहा है? तो गुरुराज के बेटे ने कहा, बिल्कुल सच बोल रहा हूं पिता। गुरुराज ने कहा, तो गा के सुना? और बेटे ने गाना शुरू कर दिया। ये सुर, ये संगीत अपने बेटे को गाता देखकर पिता गुरुराज की आंखें भर आईं। विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका बेटा इतना अच्छा गाता है, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अपने बेटे को इतना अच्छा गाता देख उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो बेटे को संगीत की शिक्षा जरूर दिलाएंगे। इस हीरे को अब खदान से बाहर निकलना ही होगा। और ऐसा ही हुआ। सारी एनर्जी पिता गुरुराज ने लगा दी और पिता का आशीर्वाद और संरक्षण पाकर ये बेटा भी पूरी तरह समर्पित हो गया भारतीय संगीत को। बड़ा हुआ और इतना नाम कमाया कि भारत के बड़े बड़े गवैयों में इसका नाम गिना जाने लगा। फिल्मों में भी गाए, हिंदी ही नहीं कन्नड़ फिल्मों में भी गाया। जानना चाहेंगे कि गुरुराज के उस बेटे का नाम क्या था जिसके बारे में उनके गांव के दुकानदार ने कहा था ये बड़ा होकर बहुत नाम कमाएगा? एक मामूली दुकानदार ने जिसकी प्रतिभा को देखकर भविष्यवाणी कर दी थी, उस बेटे का नाम भीमसेन जोशी। सुभाष घई ने इला अरुण को फोन किया, कहा एक फिल्म में तुमसे ही प्लेबैक करवाना है, ये गाना तुम्हारे साथ ही माधुरी दीक्षित पर फिल्माया जाएगा, चली आओ, पहले आकर गाने के बोल सुन लो। तो इला पहुंची। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक डायरेक्टर थे, आनंद बख्शी ने बोल लिखे थे, बोल पढ़े, ठीक लगा, प्लेबैक के लिए हाँ कर दिया। गीत के बोल थे, चोली के पीछे क्या है।
गाना अलका याग्निक के साथ गाना था। अलका याग्निक को शब्द थोड़े वल्गर लगे तो इला ने खुद समझाया कि ऐसे शब्द लोकगीतों में होते ही हैं, सब ठीक है। अलका याग्निक ने इला की बात मान ली, गाना रिकॉर्ड कर दिया। गाने का ऑडियो जब बाजार में आया तो हंगामा खड़ा हो गया। इला अरुण को दर्जनों समन मिले, कोर्ट कचहरी का लफड़ा भी हो गया। ये सब संकटों में घिरकर इला अरुण बुरी तरह घबरा गई। गाने को जब पिक्चराइज करने का वक्त आया तो इला अरुण ने साफ साफ इनकार कर दिया। कौन फंसे अदालतों के चक्कर में, उन्होंने कहा मैं किसी नए विवाद में नहीं फंसूंगी। इला अरुण इतनी डर गई थी कि कई फिल्मों में प्लेबैक करने का ऑफर आया लेकिन सबको मना कर दिया। बहरहाल इला ने इनकार किया तो गाना नीना गुप्ता पर शूट किया गया और कमाल की बात है कि इस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल हुआ। नमस्कार जी, अन्नू कपूर बोल रहा हूँ, कौन सा बोल रहे हैं? नमस्कार सर, मैं सर विशाल बोल रहा हूँ। विशाल कहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब? सर मैं हिसार से बोल रहा हूँ, वैसे मैं दिल्ली रहता हूँ बट आज मैं हिसार आया हुआ था। अरे वाह 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 वाह, हरियाणा हिसार हिसार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। स्वागत है विशाल भाई आपका, और सब ठीक ठाक कुशल मंगल है घर में? सर बहुत बढ़िया, और आज तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, मतलब मेरे रोल मॉडल से आज सर मेरी बात हो रही है। थैंक यू सो मच, प्लेजर फॉर मी ऑल्सो। सर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मतलब 93 में आपने जो है अंताक्षरी शुरू करी थी 1993 में जी, और मैं मेरा जन्म उसी साल में हुआ है, तो मतलब मैं बचपन से आपको देखता आया हूँ टीवी पे, आपको सुनता आया हूँ रेडियो पे, और आज मतलब आपसे बात हो रही है तो मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि मैं खुद एक एंकर हूँ जी और अच्छा, अच्छा। रेडियो प्रेजेंटर भी हूँ। आपका पूरा नाम क्या है, विशाल है कि पूरा कुछ नाम है? सर मेरा मतलब मुझे जो जानते हैं एंकर विशाल जनरल के नाम से जानते हैं। विशाल जनरल? विशाल जनरल, विशाल जिंदल है। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। एंकर विशाल जिंदल सर, मैं क्योंकि मैं खुद एक मंच संचालक हूँ तो मैं सर आपके चरणों में दो पंक्तियां अर्पित करना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद इरशाद, कि हर इनायत हर खुशी आपकी हो, महक उठे वो महफिल जहाँ हंसी आपकी हो, वाह वाह, कोई भी लम्हा आपका उदास ना जाए, खुदा करे जन्नत जैसी जिंदगी आपकी हो। वाह वाह वाह, बहुत बहुत आभारी हूँ इस दुआओं के लिए, मुझे इतना तो मान दे दिया आपने। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके विशाल, थैंक यू सो मच। प्रार्थनाओं में याद, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। मशहूर राइटर सागर सरहदी, कभी कभी सिलसिला, चांदनी बाजार, दूसरा आदमी, कहो ना प्यार है जैसी फिल्में लिखने वाले मशहूर सागर सरहदी। सागर साहब ने 20 साल की उम्र से ही शराब पीना शुरू कर दिया था, उसके बाद कालांतर में घर परिवार सब छोड़कर चले आए बंबई राइटर बनने। कुछ कर दिखाने का जज्बा था, सब कुछ इसलिए पीछे छोड़ आए थे, लेकिन शराब से पीछा नहीं छूटा था। और इत्तफाक से यहां आकर बंबई में वैसी ही मित्र मंडली मिल गई, तो शराब का दौर हर शाम चल जाया करता था। सागर साहब भी अकेले थे, जमकर पीते और बेसुध हो जाते थे। एक रात की बात है, नशे में थे तभी एक कहानी का आइडिया दिमाग में आया। नशे की हालत में ही उस आइडिया को डेवलप करना शुरू किया तो खाका उभरा एक बेहतरीन स्टोरी प्लॉट का। सोचा कि सुबह नींद खुलते ही इस प्लॉट को जो सोचा है पेपर पर उतार लेंगे। नशे की हालत में ही बेसुध होके सो गए, उठे तो कुछ भी याद नहीं था। लाख सर मारा, बहुत कोशिशें की, घंटों बेचैन होकर टहलते रहे, याद करने की कोशिश करते रहे, दिमाग पर जोर डाला कि वो कहानी क्या थी, वो प्लॉट क्या था, वो आइडिया क्या था, कहां गई कहानी। यारों ने बड़ा जोर मारा लेकिन कुछ भी याद नहीं आया। बस वो दिन था कि सागर सरहदी को खुद पर बहुत गुस्सा आया, अपने आप से पूछा, गंगा सागर तलवार तू बंबई क्या करने आया था, शराब पीने? शराब पीकर गटर में लुढ़क जाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए आया था? बोल। तो अंतरात्मा की आवाज आई कि इस शहर मुंबई में शराब पीने नहीं, अपने भविष्य को संवारने के लिए आया था, कुछ कर दिखाने के लिए आया था, कुछ बन जाने के लिए आया था। बस उस दिन से ही संकल्प ले लिया, शपथ उठा ली कि कुछ भी हो जाए शराब नहीं पीऊंगा। बस तब का दिन है और आज का दिन है, उसके बाद उन्होंने शराब को कभी
हाथ भी नहीं लगाया। 8 मई 1981 को सुनील दत्त और नरगिस के बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का ना तो प्रीमियर हुआ ना कोई शोर शराबा, बस इतना था कि फिल्म का रिलीज होना जरूरी था, इसलिए फिल्म रिलीज कर दी गई। संजय दत्त पहली बार ही दर्शकों को भा गए। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने सिक्के बटोरने शुरू कर दिए। फिल्म सुपरहिट हो गई, लेकिन दत्त परिवार शोक में डूबा हुआ था। उनकी खुशियों भरी जिंदगी उजड़ गई थी, आंख में सिर्फ आंसू थे। वजह थी, संजय की फिल्म रिलीज होने के 4 दिन पहले ही यानी 3 मई को नरगिस दत्त चली गई थी ये पार्थिव शरीर छोड़कर। मगर इस दुख की घड़ी में भी रॉकी को रिलीज किया गया, क्योंकि नरगिस चाहती थी कि फिल्म रिलीज हो और दुनिया उनके बेटे को पर्दे पर देखे। इसलिए एक मां की ख्वाहिश को, माता की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए इस फिल्म को रिलीज किया गया था। रिलीज तो हो गया, लेकिन बेटा कितना बड़ा स्टार बन गया ये देखने के लिए महान नरगिस दत्त इस दुनिया में नहीं थी। मीरा रोड की संगीता मिश्रा ने पूछा है कि क्या अभिनेत्री नूतन ने भी किसी फिल्म के लिए प्लेबैक दिया है? तो उत्तर है, संगीता जी, नूतन ने एक नहीं बल्कि 6 गाने गाए हैं। फिल्म थी छबीली, 1960 में आई थी। इसके संगीतकार थे श्री स्नेहल भाटकर। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे उत्तर से संतुष्ट होंगी। आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए, प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।